नमस्कार नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं पांच बड़ी खबरों। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। परमबीर सिंह अभी होमगार्ड के डीजी हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि थाने में उनके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है वो राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उन्होंने इस मामले की जांच पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी। दरअसल परमबीर सिंह के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। इस मामले की जांच थाने पुलिस कर रही है। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 23 मई तक रोक लगा दी है। जस्टिस SJ कथावाल और जस्टिस SB तावड़े ने महाराष्ट्र सरकार को परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं करने को आदेश दिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में DRDO को एक अहम कामयाबी मिली है। 2DG जैसी दवा बनाने के बाद संस्थान में अब कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट DIPCOVN भी तैयार कर लिया है। इसे दिल्ली के वैनगार्ड डायग्नोस्टिक के सहयोग से विकसित किया गया है। DIPCOVN किट के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि इंसान के शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी या प्लाज्मा है या नहीं। फिलहाल इस किट को 1000 से ज्यादा मरीजों पर टेस्ट किया जाएगा। ICMR ने इसे अप्रैल महीने में ही मंजूरी दी थी, वहीं DCGI भी इसे मई के महीने में ही मंजूरी दे चुका है। जानकारी के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में यह प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च हो जाएगा। हर टेस्ट की कीमत 75 रुपए होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े के खिलाफ मुंबई में एक रेप केस मामले में FIR दर्ज की गई है। हेगड़े पर आरोप लगाने वाली 30 साल की एक ब्यूटिशियन महिला ने कहा है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर उनका रेप किया। बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान आज चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। अगर यह चक्रवाती तूफान में बदला तो इसका नाम यास होगा। ओमान ने इसका नाम तय किया है। इसे लेकर पूर्वी तट पर बचाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान का असर सबसे ज्यादा बंगाल और ओडिशा पर पड़ेगा। वहीं अंडमान और निकोबार और पूर्वी तट के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसे बाढ़ का खतरा भी बन सकता है। इधर ओडिशा सरकार ने तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए अपने 30 से 40 जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। लद्दाख में आज सुबह फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। अच्छी बात यह रही कि इसकी तीव्रता ज्यादा नहीं थी। भूकंप की जानकारी देने वाले नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि लद्दाख में आज सुबह 8:27 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के ये झटके कारगिल के पास महसूस किए गए हैं और इसकी गहराई जमीन के 40 किलोमीटर अंदर थी। तो ये थे आज के हमारी पांच बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जम्मू।